Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindu Samannitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charanadayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Vāñcākalpatarvaścakipāsindhubhivaca Patitānaṁ pāvanebha vaiṣṇavibhyo namo namo Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅgaṁ hetgiriṁ Yatkipātam hangabandhi paramānandamādhavam Binda vai tulside vai piya vai keshva sacha Shna bhakti pade devi sattva vatvai namo namo Narayana namaskitta narancaiva narottamam Devim saraswatim vyasam tato jayo mudire Sankirtane krishna kathopadeshe Gauriya patrasya prakasane cha sadanurakta guru bhakti yukta bhakti pramodaksha jagod varun deyam sada paribhavagnam avishtadoham tethas padam siva virinchanutam saranyam itatiham panotapal bhavadibhutam Bande maha purushate charana arvindham Yat pada pallavan kajanda manichataya Vispurjita kamapigavodu shvadarsh Purunanuragara sasagara sarumurti Saradhikamai kada kipam Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajānulambita bhujo kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro yugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhutaro Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, 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 Ram, 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 Hare. Ajānulambita bhujo kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro yugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibba Rupam Bhuktincha Muktincha Dadasinittam Bhavanurupena Sadanaranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushita vam bhagam
नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवर्षि भूतात्मनेनं पितृणं न किंकरो नायं ऋणीचराजन सर्वात्मना जसरणं सरन्नं गतो मुकुंदं परिहितकत्वं। देवर्षि भूतात्मनेनं पितृणं न किंकरो नायं ऋणीचराजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहितकत्वं। गौड़ी गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत भोपाल परमंश जगत गुरु जी ने बताएं, इस जगत का कोई भी चीज नित्य नहीं है। ये जगत का तमाम व्यवस्था टेम्पोररी है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, इस जगत का कोई भी व्यवस्था कुछ भी व्यवस्था हो सारे टेम्पोररी हैं, ये नित्य नहीं है। ये जगत को बद्ध जीवों का लिए एक कारागार जेल खाने माना गया। जो सब संत महात्मा जो लोग इस जगत का कोई भी वस्तु नहीं मांगते हैं, कोई चाहत है नहीं जिंदगी में, ऐसा मापिक निष्किंचन भक्तोगण ऐसा मापिक जो निष्किंचन भक्तोगण विचार करके फैसला किया, ये इस जगत का कोई ऐसा तो कोई वस्तु नहीं है जो हमको नित्य सुख दे सके। ये जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मेरे को नित्य सुख दे सके, ऐसा कोई तो वस्तु है ही नहीं। तो किसका पीछे मैं अपना जिंदगी बर्बाद करूं, किसका पीछे मैं अपना जिंदगी को बर्बाद करूं, कुछ तो है ही नहीं जगत में जो हमको नित्य सुख दे सकता है। सब दो दिन का आनंद है और दो दिन का आनंद का बाद गीता में बताया गया जदग्र अमृतपमं परिणाम भीषमेव। जो आनंददायक है आज काल मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, जहर बन जाएगा। तो निष्किंचन संत महात्मा लोगों ने विचार करके फैसला किया कि जगत में तो कोई ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जो हम लोगों को नित्य सुख दे सके। ये जगत में नित्य सुख तो कोई वस्तु है ही नहीं। विचार करके देखा जाए
ये जो पृथ्वी है, ये जो प्रपंच है, बद्ध जीवों के लिए एक जेल खाने हैं सदृश। यहां हम लोग कृष्ण बहिर्मुख होके यहां हम लोग कृष्ण बहिर्मुख होके जेल खाने में बंद हो गया, इसीलिए हम लोग के इतना दुख है, इतना कष्ट है, फिर भी समझ में नहीं आता। ये मन को बॉस माना गया, ये मन को पोपात कहते हैं ये मन को जेल खाने का जो सुपरिंटेंडेंट है, जेल खाने का जो दारोगा है, मन को इसका साथ तुलना किया गया। जेल खाने का सुपरिंटेंडेंट, जेल का दारोगा, इनके हुकूमत चलता है हमारा जिंदगी में, मतलब मन जो बोले वही हम करेंगे। मेरा मन मेरा सबसे बड़ा बॉस है, वो जो बोले उसी को मानना पड़ेगा। जेल दारोगा का हुकूमत यहां चलता है, जो बोले उसी को मानना पड़ेगा। सो जितना सारे कष्ट है, ये कष्ट को सुख मान के बैठा हुआ है। ये कष्ट है, दारू पीना कष्ट है, चरस पीना, गांजा, हीरोइन, सो कष्ट देना ये शरीर को। लेकिन मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, जितना सारे कष्ट है, ये कष्ट को ही सुख मान के बैठा हुआ है। और बहुत कष्ट मिल रहा है, जो सब मूर्ख आदमी भेद नहीं जाने, ये सब मूर्ख माइक जगत का विषय भोग का ओर दौड़ रहा है। गीता में भगवान बताया, जे ही संस्पर्श सजा भोगा दुख ज्योनयो एवते आद्यांत बंतु कंतियो नौतेषु रमते बुधा। गीता में भगवान बताया, जे ही संस्पर्श सजा भोगा, मतलब जड़ जगत का जितना सारे भोग हैं, एंजॉयमेंट है, सब इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला, अल्टीमेटली माइंड मन जो है वो तो कोऑपरेट करेगा ही, क्योंकि मन के अलावा कोई इंद्रियों का काम सक्सेसफुल होता ही नहीं। गीता में भगवान बताया, जे ही संस्पर्श सजा भोगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो दौड़ रहा है आदमी, जड़ आनंद के लिए, जय ही संस्पर्श सजा भोगा दुख जनयो एवते, ये अल्टीमेटली हमारा लिए दुखदायक है, दुख जनयो एवते, क्योंकि ये आनंद का शुरुआत है, शेष है, ये आनंद नित्य नहीं है। आद्यंत बंतु, आदि अंत बंतु कंतियो नौतेषु रमते बुधा। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति ये सब जड़ जगत का तात्कालिक आनंद का पीछे दौड़ता नहीं है। तत्व ज्ञान है, इसीलिए सावधान होके रहता है। सब मूर्ख लोग विषय भोगों का ओर, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए दौड़ रहा है, इसी को ही अपना जीवन जिंदगी का मकसद मन के बैठा हुआ है।
जितना भोग को हासिल करे, जितना पैसा कमाओ, जितना एंजॉयमेंट करो, जितना हो उतना ही वो बड़ा समाज में ऐसा मान्यता प्राप्त होता है। ये मूर्ख समाज और माया का ट्रैप में, फांद में चिपक जाता है। जो लोग गृहव्रत हैं, गृहव्रत मतलब घर गृहस्थी का आनंद को ही सबसे ऊपर मन के बैठा हुआ है, ये गृहव्रत है। व्रतो दो किस्म का है बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, या तो कोई गृहव्रत है या तो गृहव्रत गृहमेधा, जिसका गृहमेधा मैंने उसका धी विचार प्रॉफिट एंड लॉस का ओर दौड़ता है, चाहे सन्यासी हो, आचार्य हो, कुछ भी हो बाहरी विचार में, लेकिन वो गृहमेधी है। गृहमेधा वृद्धि होने से गृहमेधी होता है। जब संकीर्तन मेधा बढ़ते रहता है तो गृह मेधा कमती हो जाता है। संकीर्तन मेधा तो है नहीं ये लोगों में, नाटकबाजी है। तो गृह व्रतो मतलब जतका जिनका जिंदगी गृह मेधा, एक मिसाल उदाहरण दे दे, जैसे शंकर भगवान बाहरी विचार में एक गृहस्थी जिंदगी में है ना, और दक्ष प्रजापति वो भी गृहस्थी जिंदगी में है, लेकिन होने से क्या होता है, शंकर भगवान परमंश श्रेष्ठ हो वैष्णवानम यथा संभु, और दक्ष प्रजापति का विवेक विचार सब गृह मेधा का ऊपर आधारित है। वो अपना मान इज्जत लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे दौड़ रहा है। देखने में बाहरी दृष्टि में एक ही है, लेकिन शंकर भगवान का कोई संसार है ही नहीं अंदर में, बाहरी विचार में है। और दक्ष प्रजापति का अंदर बाहर सब संसार, अंदर बाहर सारे ओर से इसका गृह मेधा बढ़ते रहता है, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है, बड़ा मानता है। जो लोग गृह मेधा है वो विचार करता है हमारा सेवक जरूरी है, हम लोग गृह मेधा गृहव्रत होके बहुत फायदा कर लेंगे, जैसे जेबी दत्तो ने पहले किया था, बाद में कुंज बिहारी विद्याभूषण के द्वारा परिवर्तन होके गृह मेधा को थोड़ा छोड़ा था, संपूर्ण तो हुआ नहीं, जो भी है बहुत कठिन है। जिसका जिंदगी में व्यापार घुस गया ना, बिजनेस, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो परमंश हो, कुछ भी बाहरी बेस है, लेकिन बिजनेस मैन है, एक दफा बिजनेस घुसने से वो निकालता नहीं, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब। गुरुदेव को लेके बिजनेस कर ले, भगवान को लेके मंदिर लेके बिजनेस कर ले, हरि कथा लेके बिजनेस। साउथ इंडिया से एक बड़ा एजुकेटेड आदमी आया था, बोले महाराज हम हरि कथा का अरेंजमेंट किया तो संत कुछ हमारा उधर का लिंक था, हम बोला आपका गुरुजी को तो साउथ इंडिया में है अभी, कृपा करके हरि कथा। बोले आगे पहले आप 65,000 डान करो,
उसका बाद गुरु जी आएंगे। हम तो सुन के हैरान हो गया, बोले थोड़ा हरिकथा सुनेगा, बोले पहले 65,000 दान करो तो आएगा गुरु जी। तो ऐसा गुरु जी आके क्या करेगा, क्या मंगल करेगा? जिसका शिष्य लोग बिजनेस करता, वो भी बिजनेस वो बिजनेसमैन है ना, इसीलिए शिष्य लोग भी बिजनेसमैन है। जो जैसा है रजस तमस चपकृतयो समशिला भजंती वोई बार्ड्स ऑफ थेम पिदर फॉक्स टूगेदर। यही तो नियम है। गुरु बिजनेसमैन है, शिष्य भी बिजनेसमैन है। बोले हम होले तो उसको मार के भगा देते, जा दूर हो जा बदमाश कहीं का। गृह मेधा संपन्न व्यक्ति गृह व्रतो वो सोचते हैं कि हम नौकरी चाकरी बिजनेस सब करके अपना दुनिया को कब्जा में लाएंगे, सब आदमी मेरा बात सुनेगा, मैं अपना सेंसुअल एंजॉयमेंट इंद्रियग्राम का जो आनंद है हम ले लेंगे, और जो जितना जितना भोग का सामान हासिल करेंगे, मकान हो तो ऐसा है कितना करोड़ों करोड़ रुपया का बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में क्या कुछ नहीं है, सुन के हैरान हो जाते। सबसे डर है माया देवी को, किसी भी हालत से समझने नहीं देते, किसी भी हालत से समझने नहीं देते माया का चक्कर। सो ये लोग राजनीतिक पॉलिटिकल लेवल में या तो साहित्यिक लिटरेचर उपन्यास लिखने वाले साहित्यिक लेवल में पंडित धनी परमार्थी देशनेता परार्थी, परमार्थी ने परार्थी, तो राजनीतिक फील्ड में साहित्यिक फील्ड में पंडितों का फील्ड में धनी व्यक्तियों का फील्ड में परार्थी, दूसरे के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा दिखावा जो है परार्थी, देश नेता विद्वान कर्मी सारे आदमी पोपत कह रहे हैं प्रवृत्ति, ये लोग अपना अपना विचार का अनुसार चलता है, सब सोचता है कि मैं कुछ बन के दिखाऊं। ये लोगों का आकांक्षा है मैं दुनिया का प्रभु बनूं, मतलब माया का प्रभु बनूं। माया का प्रभु होने का चेष्टा हर कोई का है, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, क्या तो साहित्यिक हो, क्या पंडित हो, कोई भी हो, चाहे विद्यासागर हो, चाहे बंकिम बाबू हो, कोई भी हो, सब माया का प्रभु बनना चाहता है, सब माया का प्रभु। विचार करके देखो, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसीलिए लिखा, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में इसीलिए लिखा, जड़ विद्या जतो मायार वैभव तुमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। गाधा मतलब बोझ लेना, गाधा मतलब गाली नहीं है, गाधा जैसे बोझ लेता है ना। दुनिया में सबसे सीधा काम क्या है, इससे इजी काम कुछ नहीं है, इसका नाम है हरि भजन। और इसी कोई सबसे कठिन मन के बैठा, ध्यान दे, और जो सबसे कठिन है पॉलिटिकल नेता बनना, कितना कितना झमेला में इन्वॉल्व हो जाना, क्या कुछ नहीं भाई, सोचने से पागल हो जाओगे, तो इसी को सोचता है क्या इजी है, बहुत अच्छा है। सबसे कठिन काम है पॉलिटिकल लीडर होना, साहित्यिक बोल के अपने को जाहिर करना, पंडित मैं हूँ, वेदांती हूँ, परार्थी देखो कितना सारे समाज सेवा किया मैंने,
देश नेता बन के दिखाऊं, विद्वान कर्मी सब बड़ा कठिन है, कर्म मार्ग इतना कठिन है, इतना कि मत पूछो, लेकिन हरि भजन सबसे इजी। हरि भजन का आगे इतना इजी कुछ नहीं है, लेकिन ये कर नहीं सकेगा, ये कर नहीं सकेगा, ये सबसे बड़ा कठिन है लोगों के। मरने का टाइम में एक बूढ़ी को इनके पोता ने बताया, दादी माँ भगवान का नाम बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दादी माँ ने बोला, इतना बात मैं कह नहीं सकूं और दुनिया भर का बातें कर रहे हैं, दुनिया भर का बातें कर, वो कहाँ गया, उसको बुला, कुछ बोल के जाए, लेकिन भगवान का नाम बोले बोलने के लिए अगर, अरे माँ इतना बातें नहीं बोल सके। इसी का नाम है माया। सब माया का प्रभु बनने का चेष्टा, मतलब अपना ऊपर बोझ बुला के लाते हैं। जितना बोझ रहे गाधा के ऊपर, गाधा उतना ही आनंद महसूस करता है। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने बताएं, अपना इंद्रियग्राम को बाहरी विषय में परिचालित ना करे। सुखम ऐंद्रियकम दैत्वा, सुखम ऐंद्रियकम दैत्वा देहो योगेन देहिनाम, सुखम ऐंद्रियकम दैत्वा देहो योगेन देहिनाम सर्वत्र लभते यस्मात् यथा दुःखम अजत्नता। बहिरर्थमान अंधा यथान्धैरूपनीयमान, बहिरर्थमान अंतरर्थ मतलब अंतर में सा अनुसंधान करके आत्म तत्व को अनुभव करना, और बहिरर्थ मतलब पांचाल देश, शब्द स्पर्श रूप रस गंधों का जो फील्ड है, पांचाल क्षेत्र है, इसमें भागादूरी करना। गृहव्रत होके जगत का प्रभु बनना चाहता है हर आदमी। हम लोग अगर जगत को भोग नेत्रों में देखने जाए, ये सबसे बड़ा फांसी का फंदा है। पूरा दुनिया को जो भोगने का विचार लेके दर्शन करता है, ये सबसे बड़ा फांसी का फंदा है। काल चर्चा कर रहा था, अग्निर्मही गगनम्बु मरुद्दिशश्च कालहस्तथात्मन आत्मनम तथा कालहस्तथा आत्मनम आत्मनसीति जगत्त्रयानि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विसन्ति यंचो गोविंद महादि पुरुषम तमहम भाई। फोपात कह रहे हैं, दुनिया का सारे चीज माया देवी ने धर के रख दी हमारा सामने, खेती अपो तेज मरुद बोम चंद सूर्य ग्रह नक्षत्र पशु पक्षी वृक्षलता लड़का लड़की चा सब कुछ है। हम लोगों को भोगों के लिए, हम लोगों का भोगों के लिए, भोगों भोग एंजॉयमेंट के लिए माया देवी एकदम न्यू मार्केट खोल के रखी है।
जगत का भोक्ता बनना चाहता हूँ, जगत सारे जगत मेरा सेवा करे यही उचित है, किंतु कभी भी एक बार के लिए सोचने नहीं बैठते कि इस जगत किसका है, किस लिए है, कब तक है मेरे लिए। जगत जगदीश का है, तमाम जगत जगदीश का सेवा का उपकरण है। हरिभजन नहीं करने से दुनिया का एक तिनका भी लेने का अधिकार मेरा नहीं है। हरिभजन नहीं करने से ये जगत से एक तिनका भी लेने का अधिकार मेरा नहीं है, यही है विचार। अग्निर्मही गगनम्बु मरुद्दिशश्च कालहस्ततात्मन मनसीति जगत्त्रयानि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति जंचो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भज। अग्निर मही गगनम्बु मरुद्दिशश्च कालहस्तथा आत्मम मनसीति जगत्त्रयानि जस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यंच गोविंदमादि पुरुषम। अग्निर मही गगनम्बु मरुद्दिशश्च कालः तथात्म मनसीति जगत्त्रयानि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यंच गोविंदमादि पुरुषम तमाम। अग्नि क्षिति आकाश जल वायु दिक् काल आत्मा मन इन नौ पदार्थों का चर्चा काल किया था। ये सारी जगत का इंग्रेडिएंट जगत सृष्टि के लिए जरूरी है। ये जिस भगवान से उत्पन्न होके विराजमान है ये भगवान का चरण में मैं नमन करूं, इसका नाम है गोविंद, गोविंद आदि पुरुषम। काल चर्चा किया था पंचभूत खित्योपतेजमरुद्भोम पंचभूत दिक डिरेक्शन काल समय जीवात्मा एवं बद्ध जीवों का लिंगो देहरूप मन बुद्धि अहंकार चित्त सब मनस हैं अत्पक मनस तत्व छोड़कर और जगत में कुछ नहीं है। देखने में लगता है कि बहुत कुछ, लेकिन इसका गहरा विचार करो तो नए तत्व नए तत्व इसका अंदर है। अग्निर मही गगन अम्बु मरुद दिशश्च कालहस तथा आत्मो मनसीति जगत्त्रयानि जस्मात् भवन्ति और विभवन्ति विशन्ति जंच सृष्टि स्थिति प्रलय जिनके कटाक्ष से होते रहते हैं इसी गोविंदो परतत्व ये भगवान को मैं नमन करता हूं। कर्मीगण जो कर्म का फल मांगता है फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्मीगण यज्ञ अग्नि में हवन करते रहते हैं। बहिर्मुख जीव सब ए परिदृश्यमान जगत का नए तत्मात्मक नौ तत्मात्मक जगत का अतिरिक्त छोड़कर इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ जानना नहीं चाहता, इसका चाहत इसी में है। चाहे कितना भी धोनी क्यों ना हो, कितना भी धोनी क्यों ना ज्ञानी कुछ भी हो, विचार करके देखना शब्द स्पर्श रूप रस गंधो सब इसी का पीछे दौड़ रहा है। एंजॉयमेंट ये पांच बेसिकली विचार करके देखो तो यही है और कुछ नहीं। शुष्को ज्ञानीगण जो आत्मरमता का अनुसंधान करते रहते हैं
जीव स्वयं ही वही आत्मा, जीवात्मा तो स्वयं है, परमात्मा उसका साथ है, कोई बात नहीं। जगत में जितना सारे तत्वविद हैं, तत्व का विचार करने जाए तो ये नौ तत्व जरूर रहेगा। कल ये इस तक चर्चा किया था, बाकी 52 नंबर श्लोक में बताया गया, ब्रह्मा जी ने बताया, जच्चक्षुरेश सविता सकलो ग्रहाणम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेया यशाग्ञया भ्रमति संभ्रीत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भाई। तमाम ग्रहों का राजा है, अशेष तेयान वस्तु है ये सूरज भगवान, सूर्यमूर्ति सविता सूर्य भगवान, जगत का चक्षु, जगत चक्षु, जगत प्राण, विभावसु सविता सूर्यो हैं ये सारे नाम से विभूषित है। ये सूरज भगवान, ये चंद्र कुछ भी हो, जिनके आज्ञा के अनुसार चलते रहते हैं, इसका नाम है वही आदि पुरुष गोविंद। मैंने काल बताया था सूरज भगवान अपना रथों पर सवार होकर अरुण रथ को परिचालित करने के लिए बैठते हैं और 60,000 बालिखिल्ल ऋषि स्तुति करते करते आगे चलते हैं। सूरज भगवान का घोड़े हैं, सब कुछ है, ये चलते रहते हैं और सूरज भगवान का एक गति संचार के कारण हमारा 6 ऋतु 12 महीना चलते रहते हैं। आई बात समय में 6 ऋतु ये जो परिवर्तन होते रहते हैं, ये सूर्यों का गति का अनुसार अपने आप होते रहते हैं। अबालिखिल और ऋषि 60,000 सब स्तुति करते करते आगे चलते हैं। जच्चक्षुरेश सविता सकलो ग्रहाणम राजा समस्त सुरमूर्ति रसे सुते यज्ञया भ्रमति संभ्रीत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तात्पर्य क्या है, बहुत सारे वैदिक आचार में प्रतिष्ठित व्यक्ति, मतलब जो वेदों को फॉलो करता है, मानता है, बहुत सारे ऐसे आदमी सूरज भगवान को ब्रह्म मान के बैठा हुआ है। गोरखपुर का ये जो गीता प्रेस है, इसमें सेठ जी थे जय दयाल गोयन का, इनके अवदान है जो भी है। सारे भक्तों लोगों ने बोला आप भगवान को दिखा सकते हो, बोला हाँ भगवान को दिखाएंगे, सुबह में चलो जाल के दिखाया। ऐसे तो सूरज भगवान को हम लोग भगवान मानते हैं, सूरज भगवान नारायण का वैभव है और कुछ नहीं, तेजस्वी पदार्थ हो, विचार करके देखो तो ये तो वैभव है भगवान का। फिर भी चलो कोई बात नहीं, जगत का चक्षु है। ये वेदों को मानने वालों में बहुत सारे सूरज भगवान को ब्रह्मो बोल के पूजा करता है। सूरज भगवान पंचदेवता का अंदर एक देवता माना जाता है। जो लोग काल भी बताया था, जो लोग पंचोपासक है, जो लोग पंचोपासक शिवजी महाराज, गणपति महाराज, दुर्गा देवी, सूरज भगवान और विष्णु भगवान,
ये पांचों तत्वों को पंच उपासक गण एक ही मानता है, लेकिन वो लोगों का विचार शुद्ध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पंचोपासकों में बहुत आदमी अपने को वैष्णव बोल के परिचय भी देता है, क्योंकि पंचोपासक जो विष्णु का पूजा करता है वो एक्चुअली विशुद्ध विष्णु तत्व तो जो इसका ख्याल नहीं है। इसका विचार में ये पांचों में पांच एक ही है, गणपति किसी किसी का ही करो आप। तो ब्रह्म बोल के सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। सूर्य पंच देवता का पंच उपासक का अंदर में एक है। फिर ऐसा करके बहुत सारे आदमी ऐसा भी विचार करता है, उत्ताप हीट, उत्ताप ये हीट, ये जो गर्म वो जो और ये जो ताप है रश्मि है उत्तापी जनो, सूर्य उत्ताप का एकमात्र आधार है। कुछ भी विचार करो, क्योंकि सूरज भगवान का अंदर में सूरज जो है इसका अंदर में फ्यूशन एंड फ्यूशन चलते रहते हैं, रिएक्शन एटॉमिक रिएक्शन, इसके लिए ताप का कोई परिसीमा नहीं है, बढ़ते रहते हैं चलते रहते हैं। जो भी हो सूर्य ही जितना भी विचार करे क्यों ना, सूर्य एक जड़ो पदार्थ है। जितना भी विचार करो, गीता में इसको वैभव माना गया विभावसु, लेकिन जितना भी विचार करो चंद्र सूर्य कुछ भी हो चांद सितारे सारे जड़ वस्तु है, बिकॉज दे बिलोंग्स टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड, जड़ जगत का वस्तु है कुछ नहीं, जड़ो तेज का एक समष्टि है, ये मंडल का अधिष्ठाता ग्रह तारा में मंडलेश्वर है। सो एक आधिकारिक देवता छोड़कर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा पुराण में बहुत सारे है सूर्य देवता चंद्रमा देवता सब है, से ये जो भी है विचार करके देखो तो जरो तेज का समष्टि मंडल, जरो तेज का समष्टि एक मंडल का अधिष्ठाता। सो एक आधिकारिक देवता छोड़कर और कुछ नहीं। जिस गोविंदो का आज्ञा पालन करते हुए सूरज भगवान शियो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उसी गोविंदो को मैं पूजा करता हूं सेवा करता हूं। कपिल जी महाराज भी मैया को बताया कपिल जी महाराज, सूर्य स्तपति मद भयात, सूर्य मेरा भय से डर से आज्ञा पालन में तत्पर होकर कर रहे, सूर्य स्तपति मद में जच्चक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेसुते यशज्ञया भ्रमति संभृतु कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यही है यही है विचार। गोविंदो का आज्ञा पालन करने के लिए सब अपना अपना जगह में रहकर अपना अपना सेवा कर रहे हैं।
धर्मो अथो पाप निचयो श्रुतयस्तपांसी ब्रह्मादि कीट पतगावधयश्चो जीवा जद्दत्तमात्र विभव प्रकटो प्रभावा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। क्या बताया? धर्मो अथो पाप निचयो श्रुतयस्तपांसी ब्रह्मादि कीट पतगावधयश्च जीवा जद्दत्तमात्र विभव प्रकटो प्रभावा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बताया? धर्मो अधर्मो श्रुतिगण जितना सारे तपस्या है तप समूह एवं ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगो सारे जीव सब जिनके प्रदत्त जिनके दिए गए जिनके दिया हुआ विभव से अपना प्रभाव को प्रकट करता है, ये आदि पुरुष गोविंद को मैं नमन करता हूं। जैसे श्रील प्रह्लाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु जी ने बताया हिरण्यकशिपु जी ने प्रह्लाद महाराज को पूछा, किसके ताकत पर तू इतना बड़े बड़े बात कर रहे, किसके ताकत पर तू इतना बड़े बड़े बात कर रहे। प्रह्लाद महाराज जी ने बताए, जिनके क्षमता से जिनके प्रभाव से तमाम दुनिया चल रहा है, जिनके प्रभाव से पूरा दुनिया चल रहा है, जिनके ताकत से आप बलवान हैं, जिनके ताकत से मैं बलवान हूं उसी के ताकत से। लेकिन हिरण्यकशिपु ने एक जोर से फटकार दिया, चुप हो जा, सुनना नहीं चाहता, सच्चाई सुनना नहीं चाहता। धर्मो अथो पाप निचयो श्रुतयस्तपांसी ब्रह्मादि कीट पतगावधयश्च जीवा जद्दत्तमात्रो विभवो प्रकटो प्रभावा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। धर्मो अधर्मो श्रुतिगण तप समूह ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगो तमाम जीव जिनके द्वारा दिए गए विभव के द्वारा प्रकटित प्रभाव होके वर्तमान है विराजमान है, वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करना चाहता हूं। तात्पर्य ये है, जगत का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता भगवान का इशारा के अलावा। फिर भी एक विशेष है, बहुत आदमी ये क्वेश्चन भी करता है, तो ठीक है, जगत का एक पत्ता भी हिलता नहीं सो हम पाप कर्म करें एंजॉय करें, ये भी भगवान का इच्छा? ऐसा नहीं, उल्टा सोचता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे भगवान का इच्छा से ही होता है। लेकिन जिसका जो संस्कार है, इस संस्कार का आधार पर उसका कर्मफल मिलता है भगवान के द्वारा। दुर्योधन को भगवान ने खराब काम करने के लिए नहीं बोला, इस बात पर ध्यान दे। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण बोला नहीं तू ऐसा ऐसा कर। जीवों का अंदर में जो फ्री विल है, अपना इच्छा, इसके मुताबिक वो पूर्व संस्कार से परिचालित, इज ड्रिवन बाय इस प्रीवियस संस्कार एंड डूइंग एवरीथिंग, और इसके कर्मफल मिलता है।
और जो शुभ कर्म करे उसका भी फल मिलता है, जो भजन करे उसका भजन का फल मिलता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब दुर्योधन का पहला संस्कार के अनुसार उसका जो घटिया विचार है इसके द्वारा ये परिचालित होकर खराब काम को करता है। भगवान ने डायरेक्टली किसी को बोला उसका कर्मफल उसका गाइडेंस है और भगवान सिर्फ कर्मफल फल देने वाले, कर्मफल भगवान देते हैं। अच्छा बूढ़ा कोई भी फालतू काम करने के लिए भगवान किसी को नहीं बताते, लेकिन प्रेरणा सब कोई को मिलती है भगवान से। धर्मो मतलब वेद विहित धर्म, वेद विहित धर्मों को धर्म माना गया, वेद विहित नहीं है। कर्मो अकर्मो विकर्म, कर्म मतलब वेद विहित कर्मो, विकर्म मतलब वेद विहित कर्मों को नहीं करना, अकर्म अकर्म मतलब वेद विहित कर्म को नहीं करना, विकर्म मतलब उसका विपरीत। ध्यान दे, कर्म का मतलब वेद विहित कर्म, अकर्म मतलब वेद विहित कर्म जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, और विकर्म मतलब उसका वेद में जो लिखा वो तो कर किया ही नहीं, उसका जस्ट अपोजिट किया, उल्टा किया। तो धर्मो अर्थात वेद, वेदोदित धर्मो वेद में जो लिखा हुआ है, यही ऑर्डिनरी आदमी का ही कंसेप्शन है। विंशति धर्म शास्त्रो प्रकटितो वर्णो धर्मो आश्रम धर्मो, इनके अंदर में ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो ये चारी वर्णों का स्वभाव जो धर्म ही वर्ण धर्म, स्वभाव के अनुसार जो करे इसका ही वर्ण धर्म। एवं ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थ सन्यासी चारी आश्रम है, आश्रम का आश्रमचितो धर्म आश्रम धर्म, आश्रम ये जो ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थ सन्यासी ये चारों जो आश्रम है आश्रमी, ये आश्रमचितो आश्रमचितो जो धर्म है इसका इसका नाम है आश्रम धर्म। ये दो किस्म का, ये दो किस्म का जो धर्म है, ये दो प्रकार का जो धर्म है मानव का, सर्व प्रकार जीवन का आचार, ये दो प्रकार का धर्म वर्ण धर्म आश्रम, इनमें मानव का हर किस्म का जीवन का आचार निर्णित किया गया। पाप सकल तमाम, पाप का अर्थ है पाप, पाप का अर्थ क्या है, पाप का अर्थ है पाप मूलक अविद्वा, वो पाप वासना, एवं महापातक अनुपातक ये सब रहता है, अतिपातक ये सब रहता है, पातक आदि अर्थात सर्व प्रकार अवैध आचरण। श्रुतिगणों में अवैध आचरण निषेध किया गया, वैध आचरण अर्थात वैदिक अप्रूवल के अनुसार आचरण को अनुमोदित किया गया। श्रुतिगण के माने हैं ऋग साम जुजु अथर्व भाई, इसके ब्रांचेस जो है, और वेदों का शिरोभूषण है उपनिषद, और तपस्या समूह अर्थ धर्मों के लक्ष्य को, तपस्या का अर्थ है तप करना, क्लेश को ग्रहण करना, क्लेश किस लिए, बेकार क्लेश ग्रहण करने तो कोई फायदा नहीं है, बेकार कोई क्लेश करे तो इसका मतलब क्या है। तप समूहों का अर्थ है धर्मों को सामने रख के
तब अभ्याले के एकादशी में निर्जला उपवास रहना, रात को जगना, हरि कथा सुनना, ये बाकी जो कठोर तपस्या है तो निषेध है, जो भी है। तप समूह का मतलब है धर्म को, धर्म मूलम ही विष्णु, एकादशी भगवान का उद्देश्य में करे संतुष्टि विधान के लिए, तो भी है एक आहार करे, फालतू बातें ना करे, सारे तपस्या। सन्यासी लोगों के लिए काय मन वाक्यों में जो दंडित के, दंड मतलब दंडित किया गया, दंड मतलब दंडित किया गया, त्रिदंडो काय मन वाक्यों में जो भी है। तो आप समूह धर्म के लक्ष्य कर, धर्म को सामने रखकर जत्न पुकार का अभ्यास, अभ्यास शिक्षा करना जरूरी है, वो सब करे। और दूसरा विचार भी है, कोई पंच, हमारा शंकर भगवान पंच तपा, वर्षा में पानी में भीगे, ठंडी में पानी का नीचे में बैठकर, गर्मी में चारों ओर आग जलाकर, ये सब तपस्या पंच तपा करते हैं। अष्टांगो योग ओ ब्रह्म ज्ञान निष्ठाओ, ये तपस्या का अंतर्गत विषय है। ये तमाम बद्ध जीवों के लिए कर्म चक्रांतर्गत विशेष मात्र, इसमें शुद्ध भक्ति का कोई विषय है ही नहीं। जैसे आप जिससे आपका जीवन चक्र का समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। ये तमाम जो हमने बताया अभी तक भक्ति में ठाकुर ये तात्पर्य व्याख्या कर रहे हैं, ये तमाम जो हमने बताया अभी तक, धर्मो अधर्मो पाप सकल जो भी है, सुतिगण तप समूह ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगो पर्यंत, ये जीवन समस्त जीवन सब जिसके द्वारा दिया गया क्षमता का ऊपर भरोसा पर चलता है, यही गोविंद को दंडवत करो। तो ये जो हमने ऊपर में बताया, ये तमाम चीजें जो हमने बताया विचार किया, बद्ध जीवों का कर्म चक्रांतर्गत विशेष मात्र, बाय फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दे कैन नेवर गो आउट ऑफ द साइकिल ऑफ जन्म और मरण। बद्ध जीवों के लिए कर्म चक्रांतर्गत ये सब विषय है जो बताया। बद्ध जीव 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते चले, जब जैसा हो, कभी देव बन जाए, कभी दानव बन जाए, कभी राक्षस बन जाए, मानव नाग किन्नर गंधर्वो देवता कुछ भी बन जाए, यहां तक कि ब्रह्मा भी बन सकता है, ब्रह्मा भी बन सकता है। अगर किसी का जिंदगी में 100 साल तक कंटिन्यूअसली एक्यूरेटली वर्णाश्रम धर्म को पालन किया, ये जीव ब्रह्मा बनने का लायक बन जाता है। ये तमाम जीव मतलब ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र कीट पतंग तक अनंत विध हो, ये लोग कर्म चक्रांतर्गत विशेष समूह, कर्म चक्रों के अनुसार इसका जन्म होता है। और विशेष बात यह है कि ब्रह्मा से लेकर पतंग कीट पतंग तक जितना सारे बद्ध जीव, सब बद्ध जीव, सबका एक एक प्रकार का स्पेशलिटी है। चाहे जितना भी तुच्छ हो या सब भी, जितना जीव है सब कोई का, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कुछ भी हो, ये सबका एक एक प्रकार का प्रभाव विशेष, दे हैव सम स्पेशलिटी गिवन बाय भगवान, सबका एक एक प्रकार का प्रभाव विशेष। और कभी कभी किसी को विशेष क्षमता दिया गया, जैसे सूर्य भगवान, इसका तेज है,
ब्रह्मा को सृष्टि, ये सब जो अपना अपना प्रभाव है, ये सारे ब्रह्मा से लेकर चेटी तक जो कुछ भी हो, जिसका जो प्रभाव है, ये प्रभाव इनके स्वतःसिद्ध नहीं है, ऑटोमेटिकली इन लोगों का अंदर में है ऐसा नहीं। ये प्रभाव भगवान के द्वारा दिया गया। ये तमाम प्रभाव जो है ये इन लोगों का अंदर में, चाहे सूरज हो, भगवान चंद्र हो, कोई भी हो, इंद्र हो, कोई भी हो, ब्रह्मा हो, ये जो क्षमता, इसका अंदर प्रभाव है, पराक्रम, ये भगवान के द्वारा दिया गया। ये स्वतःसिद्ध नहीं, ऑटोमेटिकली इन लोगों का अंदर में आए नहीं। श्री गोविंदो जिनको जितना तक क्षमता दी है वो उतना तक चल सके। भगवान गोविंदो जिनको जितना तक विभव और पराक्रम दिया है वो उतना तक चल सके। चाहे नुहुज राजा हो, चाहे पुरुरवा हो, चाहे इंद्र वरुण हो, जिसका परीक्षा भगवान ने ले ली कठोपनिषद में है, कैसे कैसे परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान देवता लोगों का घमंड तोड़ने के लिए, परीक्षा करने के लिए आगे स्वर्ग द्वारम समागत। एक पिकुलियर प्राणी है, कौन है पूछ के आओ, इंद्र जी ने बताए। वरुण गए हैरान हो गया, अग्निदेव गए हैरान हो गया, जल देवता गए हैरान हो गया, कोई किसी ने इनका परिचय प्राप्त नहीं कर सके। जब इंद्र भगवान स्वयं आए तो ये गायब हो गया। इंद्र आके बोले क्या है, कहाँ था? बोले यही तो था। कहाँ गया? बोले कौन पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ था। जब ढूंढने के लिए इंद्र आए तब उमा देवी आसमान में हंसती रही, किसको खोजने के लिए आए? बोले ये है साक्षात भगवान। उमा देवी ज्ञानमयी ज्ञानदायी इंद्र को बताए, तुम लोगों का अंदर में जो घुमंड पैदा हुआ, जो हम लोगों ने जय किया, तुम लोग जो विजय प्राप्त हुआ, किनके दिया गया ताकत पर, क्षमता पर, ये आपने भूल गए, इसीलिए आया था भगवान आपको संभ्यान के लिए, शिक्षा देने के लिए। ये ते लोग अगर समझे तो हम सब कुछ करके लेकिन सारी क्षमता भगवान के द्वारा ही दिया गया, ये इसका नाम है गोविंद। ईश्वरः परम कृष्णो सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारणो कारणम धर्मो अथो पाप निचयो श्रुतयस्तपांसी ब्रह्मादि कीट पतगाव धवयश्चो जीवः जद्दत्तमात्रो विभवो प्रकटो प्रभावा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि धर्मो अथो पाप निचयो श्रुतयस्तपांसी ब्रह्मादि कीट पतगाव धयश्च जीवः यद्दत्तु मात्रो विभवो प्रकटो प्रभावा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यही है, यहां तक इस श्लोक का चर्चा हो पाया जो भी है। इसके बाद 54 नंबर श्लोक में बताया, यस्तु इंद्र गोप मथवेन्द्र महो सकर्मो बंध्यानुरूप फल भाजनम आतनोति
कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन कविन्दमादि पुरुषम तमहम भजन। क्या बताया? यस्तु इंद्रो गोप मथवेन्द्रो महोसकर्मो बंध्यान रूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बताया, क्या विशेष है? बोले जो श्लोक पहले चर्चा किया इसके आधार पर ये है। इंद्रगोप नामक कीड़े मकोड़े को का इंद्रगोप नामक क्षुद्र कीट पतंग या तो देवता दिगो का अंदर देवता गणों के अंदर भी इंद्र हो ना क्यों क्यों ना हो, कर्म मार्गी कर्म मार्ग में चलने वाला जीवों को जो गोविंद निरपेक्ष होकर स्व कर्मानुबंधानुरूप फल भाजन फल देते हैं है ना, कर्मान्यवधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन बताया भगवान। फिर भी आश्चर्य का विषय ये है, भक्तिमान गणों के लिए भगवान स्वयं कर्म सकल को आग में जैसे जलाता है स्ट्रॉ क्षर सूखा तिनका, जिस भक्तों का भक्तों गणों के लिए भगवान इन लोगों का कर्म फल को जला के राख कर देता है, ये गोविंद के चरण में मेरा नमन है। जस्तु इंद्र गोप मतबिंदु महो सकर्मो बंध्यान रूप फल भाजनम मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भायाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जब भी यद्यपि भगवान इंद्रगोप नामक क्षुद्र कीड़े मकोड़े से लेकर सब कोई का कर्म फल भगवान ही देते हैं, सब भगवान ही देते हैं, चाहे वो इंद्रगोप नामक क्षुद्र कीट पतंग हो या तो देवता दिगो के अंदर में इंद्र हो, कर्म मार्गी कर्म मार्ग में जीवों के लिए जो भगवान पक्षपात शून्य निरपेक्ष होकर इन लोगों का स्व स्व कर्म बंधानुरूप फल देते हैं। फिर भी आश्चर्य ये है, भक्तिमान भक्तों के लिए अर्थात भक्तिमान जनों के लिए जो गोविंद इनके कर्म फल सब जला के खाक कर देता है, अपना चरणामृत देता है, ये गोविंद को मैं नमन करता हूं। ये गोविंद को जो अपना भक्तगणों का कर्म फल को जला के खा कर देता है। तात्पर्य ये है, बद्ध जीवों को कर्मफल दान में पक्षपात सुनना है। बहुत सारे आदमी ऐसा भी उल्टा भी बोलता है, भगवान का ऊपर आरोप लगाता है, भक्तगणों को ऐसा करता है हम लोगों को नहीं करता, कैसे करें, भगवान तो बता दिया ना मैं सब कोई के लिए समान हूं, लेकिन भक्तों के लिए भक्ति है भक्तों का अंदर, इसीलिए मेरा विशेष कुछ नियम है, ये तो करने का नहीं है कुछ। ऐसा ही जो है बद्ध जीवों का कर्मफल दान करने के समय जो न्यूट्रल पोजीशन पे निरपेक्ष अवस्था में भगवान रहता है, ये किसी का विश्वास हो ना हो फर्क नहीं पड़ता।
बद्ध जीवों का दुर्योधन ने खुद बताया कुरुक्षेत्र युद्ध प्रांगण में टांग टूट गए पड़ा हुआ है वहां बताया, खुद स्वीकार किया, मैं धर्म जानता हूं लेकिन धर्म के लिए मेरा अंदर में कोई अट्रैक्शन नहीं है, मैं चाहता नहीं। अधर्म किसको बोले ये भी मैं जानता हूं लेकिन अपने को रोक नहीं सकता, अधर्म ही अच्छा लगता है। क्यों? इसका कर्म, इसका संस्कार खराब है, इसमें भगवान का करने का क्या है? अपना अपना कर्म फल तो देता है लेकिन भगवान को तो कुछ करने का नहीं ना। दुर्योधन जो कर्म कर उसका फल भुगतना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भगवान पक्षपात शून्य है, निरपेक्ष है, लेकिन भक्तगणों के लिए विशेष कृपा तो होगा ही, भक्त है ना। इन लोगों का अंदर में कर्म का मूल जो कर्म भाषणा वो अविद्वा, इसका साथ धर्म धर्मात्मक कर्म को ध्वंस कर देता, जला के खाक कर देता, राख कर देता। इसमें जैव धर्म में भी भक्ति में ठाकुर जी ने विचार बताया, यद्यपि कर्म अनादि है हर कोई जानता है, अनादि कर्म फले परिभवार नवो जले तरिबारे न देखी उपाय। कर्म अनादि है लेकिन कर्म अनादि होने से भी, कर्म अनादि ठीक है लेकिन कर्म अनादि होने से भी ये विनाश प्राप्त हो सकता है। कर्म अनादि होने से भी ये इसका अंत हो सकता है, विनाश प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों का अंदर में कर्मफल का आशा है, मतलब कर्मफल का आशा लेकर कर्म करते रहते हैं, ये लोगों के लिए कर्म अक्षय बन के रह जाता। अनादि कर्म फले परिभवार नवजले तरिबारे ना देखी उपाय। कर्म जो लोग कर्म करते हैं बिना आशा तो कुछ करते नहीं, हर कोई, चाहे गृहस्थी हो कोई भी हो, जो कर्म करे कुछ आशा लेके करता है, लेकिन शुद्ध भक्तों का अंदर में कुछ आशा नहीं। कुछ आशा अगर है भी अप्राकृत, प्राकृत कुछ नहीं। तो ये कर्म फल जो है एक बंधन का कारण है। कर्म ये जो कुछ आशा लेकर कर्म किया है, कर्म फल का आशा लेकर कर्म करें, ये लोगों के लिए जो कर्म है ये अक्षय बन के रह जाता है, कभी भी समाप्त तो होने वाला नहीं है, कदापि विनष्ट है। जैसे मानी बिगेट्स मानी, कर्म बिगेट्स कर्म, कर्मों का कोई एंड नहीं है। एक उदाहरण दे दे थोड़ी सी शब्दों में, इंद्र महाराज स्वर्गों का राजा है, भक्ति करना ही सबको का ड्यूटी है, चाहे इंद्र हो वरुण हो किसी का। इंद्र महाराज जी ने अपना गुरु बृहस्पति का चरण में अपराध कर डाले, बृहस्पति अंतोधन की याग यज्ञों मंगल के लिए सारे समाप्त हो गए। विश्वरूप बोल के त्रष्टा नंदन को बुलाया गया। मैं थोड़ी सी शब्दों में बता रहा हूं, बताने के बाद बेटा
का करे, आप यज्ञ कर दो थोड़ा, हम लोग ठीक है कर देंगे, कोई बात नहीं। यज्ञ करने के समय में इंद्र जी ने अचानक देख लिया ये हम लोगों के लिए यज्ञ करता है और मातुल कुल के लिए यज्ञ का शेयर दे रहा है। इसमें इंद्र महाराज का बड़ा गुस्सा आ गया, चिल्ला चिल्ला के बोलता है हैं इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, चुपके से अपना मातुल पक्ष को दे रहा है। तो इसमें बड़ा गुस्सा आ गया, अरे ये धोखाबाजी कर रहा है, एक तरवाल को उठाया काट दिया पूरा, चाह पूरे एकदम पूरा गले काट दिया, ब्रह्महत्या हो गया। अरे ब्रह्महत्या तो है ही है, पहला बात है वो तुम उनको बुलाया यज्ञ करवाने के लिए, एक तो ब्राह्मण है इसका बाद यज्ञ करने के लिए बुलाए हो, इसका बीच में मार दिया, ब्रह्महत्या पाप के लिए इंद्र को दौड़ना पड़ा, भाग के भागे भागे भागे। फिर इसका बाद त्रष्टा ने यज्ञ विधान किया, जैसे कोई ऐसा ताकतवर आदमी निकल आए यज्ञ से, इंद्र का हंता बन के आ जाए, इंद्र को मारे। लेकिन यज्ञ का मंत्र का थोड़ा हित उल्टा हो गया, इसमें इंद्र हंता अर्थात इंद्र को मारने वाले जो पैदा होना था ये उल्टा हो गया, इंद्र जिसको हत्या करे वो पैदा होगी, इंद्र जिसको हत्या करेगा ये पैदा हो गया, मंत्र का प्रोनाउंसिएशन। समझा, इंद्र जो शत्रु है ये वृद्धि हो जाए, आपका ताकत बढ़ जाए, इंद्रो का शत्रु इंद्रो शत्रु है ये मरे ऐसा नहीं, इंद्रो जो शत्रु है वो मर जाए ऐसा नहीं, मंत्रों का उच्चारण उल्टा होने से इंद्रो शत्रु ये बढ़ जाए, इसका ताकत बढ़े। इसके कारण क्या हुआ, वित्तासुर निकल आए। इसके बाद थोड़ी सी शब्दों में बताए, वित्तासुर को फिर मारना पड़ा, पहले का तो शेयर कर दिया, जल भूमि माताजी सब इनको साथ शेयर कर दिया, ब्रह्मोत्तर पाप को माशी माशी दृश्यते देखा जाता है। लेकिन ये पाप कौन ले, कोई लेने वाला है नहीं, वो दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी जी का पद्म में आश्रय, लक्ष्मी जी का चरण में, मैया हमको बचा लो, कहा मानस सरोवर में, वह इंद्र बिना खाए रह गए, जितना भी यज्ञ करो पानी के अंदर में कैसे जाए, यज्ञों का हवन का जो शेयर है इंद्र को खाना बंद। बाद में ऋषि मुनि ने बुलाया, आ जाओ कोई बात नहीं, हम अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, आप पाप से मुक्त करा देंगे, तो हो गया। तो मेरा कहने का बात है, कर्मों का जो लिंग जो है ये तोड़ना बहुत मुश्किल है, एक कर्मों दूसरे कर्मों को प्रोड्यूस कर देगा, दूसरा कर्मों तीसरा कर्मों को प्रोड्यूस कर देगा, तीसरा कर्मों चौथा कर्मों को, ऐसे चलती रहेगा चेन वाइज, इसका कोई समाप्त तो नहीं होने वाला। लेकिन मैंने जो श्लोक देके शुरुआत किया याद है ना, क्या देवर्षि भूतात्मनीनाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चरायन सर्वात्मना यह शरणम शरण्य गतो मुकुंदन परिहित कर्तव्य। किसी देवर्षि भूतात्मनीनाम पितृणाम न किंकर नाम, किसी का किंकर किसी का पास आपको ऋणी होने का जरूरी है ही नहीं। क्यों,
जो सर्वात्मना जो शरणम शरण्य, मुकुंद का चरण में भगवान का चरण में कोई अगर भक्ति करे, ये तो जगत आधार है, जगत बंधु जगन्नाथ, जिनके भक्ति करने से तमाम दुनिया का नरसिमेंट हो जाता है। जैसे हमने पहले भी बताया था, एक वृक्ष का जड़ में पानी देते रहे ये सफिशियंट है, क्योंकि जड़ में पानी देने से तो वृक्ष का हर जगह पानी पहुंच जाता है। कौशिकी क्रिया कैपिलरी वेसल का माध्यम में चला, लेकिन कोई पत्ता में फूल में डाल में कोई ऐसा पागल है को अलग से अलग से पानी देने जाए? यथा तरर मूल निशेच नैन तिप्पन्ति तत्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हणम अच्युते। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत में लिखा है अपूर्व, प्रणनम सर्व जगताम, जो गोविंद का आराधना किया पूजन किया वो तमाम जगत का उसका कर्तव्य कर्म खत्म हो गया और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। इसीलिए बताया देवर्षि भूतात्मनीनाम पितृनाम न किं करो नायम ऋणी चरायन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित करतम। सीधा बात है, लेकिन बाकी ध्यान दे, जो गृहस्थी में है उसको कर्म करना पड़े, ऑफिस जाना पड़े, कमाना पड़े, लेकिन किसी चीज में कोई आशा ना रखे। ईच एंड एवरी एक्शन फॉर द कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ भगवान, आशा के साथ करे तो चासा बन जाओगे, कुछ नहीं होगा, बंधन टिक जाएगा। जो लोग कर्म फल आशा लेके कर्म करता है उसका बंधन टूटता नहीं। जो कर्मार्पण करता है, कर्म तो करे, अरे क्या करे, कर्म ना पीना कर्म तो रह नहीं सकता, कर्मार्पण कर दिया भगवान, जो कुछ भी किया आपको दे दिया, चलो आप जो करना है करो, हो गया ना। तो कर्मो अनादि होने से भी अंत हो सकता, जैसे चैतन्य चैतन्य तो है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति रहता होता ना, सुना है ना चैतन्य चैतन्य ए ब्रह्मांड भ्रमित गुरु इन कोर्स ऑफ ट्रैवलिंग दिस 14 वर्ल्ड्स समहाउ व्हेन वी कैन मीट विथ प्योर वैष्णव ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद है, गुरु कृष्ण का प्रसाद क्या भक्ति लता बीज मिल गया, कर्म फल सारे खत्म। सो कर्म अनादि होने से ही होने से भी अंत हो सकता। जो लोग कर्मों का आशा लेके करें, हम बताएं कि कर्म अक्षय बन जाता है, कर्म विनाश नहीं होता है। संन्यास धर्मो ये भी आश्रमोचित कर्म विशेष, संन्यास का पालन करना ये भी आश्रमोचित कर्म विशेष, लेकिन भागवत में जो त्रिदंडी संन्यास का विषय है, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली भगवान का चरण में सब कुछ समर्पित कर दिया, उसका लिए आश्रमोचितो कर्मो विशेष होने से भी ये भक्ति का साथ जोड़ गया, जिसका बारे में भागवत जी महापुराण में बताया गया। क्या बताया? एतम समस्थायो परात्मनिष्ठा पूर्वतनुर महाद्भीर अहम तरिष्वामी दुरंत पारम तमह मुकुंदांग्री निषेव। महाप्रभु जी ने इसका बंगला बताया। क्या बताया? प्रभु कहे साधु एई भिक्षुक बचन, बंगला समझ में आएगा आपका।
प्रभु कहे साधु एई, साधु मतलब अच्छा, प्रभु कहे साधु एई भिक्षुक वचन, भिक्षुक का यह वचन बड़ा बढ़िया है, शानदार। प्रभु कहे साधु एई भिक्षुक वचन मुकुंद सेवन रतो कैल ग्रहण, क्योंकि ये संन्यास ग्रहण किया मुकुंद सेवा करने के लिए। प्रभु कहे साधु एई भिक्षुक वचन मुकुंद सेवन व्रत कैल ग्रहण, आर मुकुंद सेवा है संसार तारण, महाप्रभु जी ने प्रशंसा किया। लेकिन यूजुअली जो संन्यास संन्यास लेता है, संन्यास धर्म आश्रम चित्त कर्म विशेष। लेकिन आप अगर कहो क्या प्रभुपाद भी तो संन्यास लिए, ये कि आश्रम जित कर्म, हाँ बाहरी विचार में आश्रम जित कर्म है, लेकिन ये तो परमंश है अंदर में। अब और उल्टा भी होता है, कोई परमंश है, कोई परमंश है गौर किशोर दास महाराज, ये प्रचार के लिए बड़ा करुआ बोलता है, प्रभुपाद तो परमंश है, इच्छा करके संन्यास रख दिया, सन्यासियों के लिए सादा कपड़ पहनना उचित नहीं है, निषेध है। लेकिन जे लोगों का अंतर से परमंश बेस है, बनावटी नहीं है, एक ड्रामा नहीं है, जिनके जीवन जिंदगी भगवान का सेवा के लिए निछावर कर दी, वो अगर प्रचार के लिए लाल कपड़ा पड़े इच्छा करके, पर पिचिंग पर्पस प्रचार करने के लिए, यहां तक कि कोट पैंट भी पड़े जरूरत पड़े तो, दैट इज कॉल्ड राधा दास्य। इसी का बारे में प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान का एब्सोल्यूट सेवा का विचार, भगवान का एब्सोल्यूट संतुष्टि विधान का जो सेवा है, इसको सामने रखते हुए जरूरत पड़े तो आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल, समझा नहीं। भगवान को संतुष्टि विधान करने का जो विचार है, भगवान को एब्सोल्युटली संतुष्ट विधान का विचार लेकर अगर हम किसी लेवल में उतर आए, दैट इज कॉल्ड राधा दर्शन। लेकिन आदमी अगर उल्टा समझे तो इसमें अपराध हो जाएगा। भगवान का एब्सोल्यूट सेवा का जो विचार है, भगवान को संतुष्ट करने का जो एब्सोल्यूटली संतुष्ट करने का विचार लेकर अगर हम किसी लेवल में उतर आए, गौरवाणी का प्रचार के लिए अगर कोट पैंट ट्राई करके अगर हमको सैटरडे क्लब में प्रवचन देना है तो हम करने के लिए तैयार है। संडे क्लब सैटरडे क्लब जहाँ जहाँ लोग कपड़ा खोल के नृत्य करता है वहाँ भी जाने के लिए तैयार है, या तो हमको प्रॉस क्वार्टर में ले चलो, हरि कथा बोलेंगे वो तो उद्धार करने के लिए। चंडीगढ़ में ऐसा है, और यहाँ हमारा बहरमपुर में भी एक दारोगा आया था जो साधु लोगों को बुलाकर हरि कथा का व्यवस्था करते, साधु लोगों को थाने पे वो आपका जेल खाने में बुलाकर बोले आप थोड़ा प्रवचन करो ये लोग का मंगल के लिए, बहरमपुर में। चंडीगढ़ में भी ऐसा, अब हमको मालूम नहीं है, मैं 20-25 साल पहले का बात, वहाँ एक चंडीगढ़ में और साधु लोगों को मंदिर से बुलाते, जाओ आप थोड़ा हरि कथा बोल के, हरि कथा बोल के इन लोगों का अंदर में जो सुधार, हरि कथा बोल के उन लोगों को उद्धार करने के बोलो, हरि कथा के द्वारा जो सुधार होता है, हरि कथा के द्वारा विशुद्ध हरि कथा, शुद्ध गुरु वैष्णव का कीर्तन हरि कथा के द्वारा एक कैदी का जो सुधार होता है, इतना सुधार फांसी का फंदा में लटका देने से भी होता नहीं, समझा नहीं, ये पक्का बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे वाल्मीकि मुनि बन गया, इतना बड़ा दस्यु रत्नाकर दस्यु,
कैसे बन गया जंगल का एक शिकारी परम वैष्णव बन गया, कैसे नारद जी का संस्पर्श में ये होता है? कौन बोला होता नहीं, कौन बोला होता नहीं, कौन बोला? अगर नहीं हो नहीं नहीं हुआ होता तो कैसे चिंतावनी जैसा इतना गंदा काम करने वाली जो प्रोस है, ये कैसे इनके जिंदगी सुधर गया? इतना बड़ा वैष्णव बन गई जो बड़ो बड़ो महांती तार दर्शन से जानती, लिखा हुआ है बड़ो बड़ो महांती तार दर्शन से जानती, इनके दर्शन के लिए सारे आते हैं इसका, इनके चरण दर्शन के लिए। तो हर हालत में संभव है, फांसी का फंदा, फांसी का जो फंदा है इससे भी लौट के ला सकता है, फांसी का ऑर्डर हो गया इसको भी एक इतना बड़ा इंसान बना देंगे। गुरु वैष्णव का अंदर में इतना पावर है कि मत पूछो। खून खराबा किया महाराज, इसको भी सुधार कर सकता है, इसीलिए गुरु वैष्णव का नाम है चिंतामणि, स्पर्शमणि, चिंतामणि। हर हालत में हो सकता है, अगर नहीं हुआ होता तो नारद जी महाराज इतना क्रूयल, इतना गंदा काम करने वाले, खाली खून खराब, ये व्याध को कैसे चेंज कर दिया, रत्नाकर दोषु को कैसे चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दिया नारद जी? चेंज होता है, होता नहीं है ऐसा नहीं, होता है, लेकिन पक्का साधु चाहिए जिनके दर्शन मात्र पापियों का हृदय पिघल जाता है। साक्षात देखा है गुरु जी का सामने कितना पापी आए और अंतर में शोधन हो गया। अब उल्टा भी हुआ, गुरुचरण में आए सेवा करने का बहाना लेकर, लेकिन गुरु जी से सेवा ले लिया, गुरु जी को बिजनेस में लगा दिया, गुरु जी को लेके बिजनेस कर दिया, ऐसा भी होता है। तो कर्मफल भगवान निरपेक्ष है, कितना हम चर्चा करें। दशम स्कंद में जब इंद्र यज्ञ रुकने का विचार किया भगवान कृष्ण और बलराम, याद करें कृष्ण बलराम जी ने बच्चा होने के नाते पूछना पड़ा, कोबा अत्रो संभ्रमम जायत, कहां से इतना संभ्रम आ गया, किसका लिए आप लोग इतना बिजी हो, इतना लगता है कि बाप रे क्या बात है। बोले बेटा, भगवान कृष्ण बलराम दोनों ने बताया, अगर आप बच्चा समझे कि हम नालायक हैं तो आप नहीं भी बता सकते, अगर आप सोचो कि ठीक है साधुओं का लीक तो कुछ छुपा हुआ कुछ है नहीं, आप अगर बताने का बताने के लिए आपका अंदर में कोई रोक टोक नहीं है तो बता सकते हैं, हम सुन ले। बोले बेटा, हम इंद्र यज्ञ करें हर साल, इंद्र यज्ञ के द्वारा क्या होता है? बोले इंद्र यज्ञ के द्वारा, इंद्र वर्षा का देवता है, बहुत बरसे तो हमारा खेती बाड़ी हो जाए लाला, हमारा गौचारण है, ज्यादा बरसात हो जाए तो अच्छा ही है, घास फूस पैदा होगा, गुलमलता सब गोमाता खाएगी, विचरण करते करते अच्छा है, बहुत अच्छा ठीक है। लेकिन कृष्ण बलराम जी ने हम लोगों को शिक्षा के लिए नंदो उपानंदो अधिनंदो सबको को बोलना, बुरा आप अगर बुरा ना समझे तो एक बात कहूं, कहो लावा क्या बात कहना है, आप अगर बुरा ना समझे, आप अगर बुरा ना समझे तो कुछ दो चार बातें कहें। बोलो कहो।
इंद्र कौन होते हैं, मतलब इंद्र कौन होते हैं, आपका तकदीर बदलने वाले इंद्र कौन होते हैं, ये तो एक अस्तिचेत परमेश्वर है, एक भगवान है पर ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर, ये तो सबका कर्म फल के अनुसार फल देता है। इसमें कुछ इधर उधर करने का क्षमता इंद्रों का अंदर में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आप इंद्रों का पूजन क्यों कर रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं पड़ता। एक गिरिराज महाराज जो है इतना फल फूल इतना घास फूस औषधि देकर ब्रजवासियों का सेवा कर रहे हैं, ये मेघों को इतना ऊंचा है, ये मेघों को आकर्षण करके लाता है गिरिराज महाराज। वर्षा होता है, वर्षा होती है, ऐसा ही नियम है। सुखम दुखम भयम खेमम कर्म नैव अभिपद्यते, कर्मणा जायते यन्तु कर्मणा जायते यन्तु कर्म नैव प्रबलीयते, कर्मणा जायते जंतु कर्मिन है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणा जायते जंतु, जितना सारे जीव है कर्म फल के अनुसार जन्म लेता है। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव प्रबलीयते, सुखम दुखम भयम खेमम कर्म नैव अभिपद्यते, अस्ति चेत एक ईश्वर है, अगर ईश्वर एक है, ईश्वर बहु नहीं है, तो ये परा ये जो परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म भगवान ये अपना कर्म फल देगा। इंद्र कौन होते हैं, इंद्र कौन होते हैं आपका कर्म फल को चेंज करने वाले। लाला तैने तो ठीक कही, हाँ हमने तो ठीक कहा, तो आप अपना कर्म फल का एक काम करो, इंद्र जाग इंद्र जोगो करने के लिए, इंद्र जोगो करने के लिए जितना भी सामान इकट्ठा किया, जोगो का आयोजन किया, सारे गिरिराज महाराज को दे दो। अच्छा, इसमें इंद्र गुस्सा कुछ नहीं होगा, होगा होगा तो हम देखेंगे। अच्छा, तू देख लेगा, हम देखेंगे, कोई चिंता मत करो। यस्तु इंद्र गोप मथवेन्द्र महोस कर्मो बंध्यान रूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमाम। तो संन्यास धर्म भी आश्रम चित्तो कर्म विशेष है, लेकिन एक जो हमारा भक्ति राज्यों का संन्यास है ये अलग सा है थोड़ा, बाकी मायावादी का सन्यास तो हमको बोलने का कुछ नहीं है, ये महाप्रभु जी ने खुद बताया। प्रभु कहे साधु यही भिक्षुक वचन मुकुंद सेवन व तो कई लोग हम मुकुंद सेवाए है संसार तारण, इसी पर ध्यान दे। लेकिन मायावादी का सन्यास हमको कुछ ठीक, हमने कोई ठेका नहीं लिया, हमने कोई ठेका नहीं लिया मायावादी का सन्यास का, कुछ करे करे जो करे। तो संन्यास धर्म भी आश्रम जित कर्म विशेष है ही है, लेकिन अंदर में परमंश भाव भी हमारा गुरुवर को रखते हुए भी संन्यास का आश्रम स्वीकार किया। और इसमें क्यों संन्यास धर्म भी आश्रम जित कर्म भी क्यों, इसमें भी कर इसमें भी मोक्ष स्प्रिया, इसमें भी मोक्ष प्रिया रूपा फल कमना रहने से कृष्ण का प्रीतिकर होता नहीं। लेकिन जो महाप्रभु जी ने जो बताया, प्रभु का ये साधु भक्तिक वचन मुकुंद सेवन व्रतो ये अस्ते कैन भाव टू सर्व कृष्ण बाय काय मन बॉडी स्पीच एंड माइंड, ये अलग है, इसमें कोई दोष नहीं। सो मोक्ष कामना अगर रहे भी फल को मना कृष्ण का प्रीति कर होता नहीं, इन लोगों में भी कर्मानुरूप फल मिलता है नितान्त तो निष्काम होने से भी।
नितांत अगर कोई कहे अगर निष्काम हो गया महाराज, निष्काम हो गया तो फिर इसको आत्मा रामोता मिलता है। अर्थात भगवान का सेवा का उतना ये नहीं है, आत्मा में रमण करने का एक व्यवस्था हो जाएगा। फॉलो, नितांत तो निष्काम होने से आत्मा नाम आत्मा राम रूप क्षुद्र क्षुद्र फल मिलता है। आत्मा राम, आत्मा राम हो गया, आत्मा राम हो गया भगवान का क्या सुविधा कर लिया। शिवदेव के समय पहले आत्मा राम था, बाद में परमंश श्रेष्ठ बन गया जब भगवान का कथा में डूब गया, कथा बोलने। हाँ, किंतु जो सब भक्त लोग शुद्ध भक्त है, निष्किंचन भक्त है, जो सब लोग भक्त लोग जो शुद्ध भक्त हैं, ये लोग का अंदर में अन्न अभिलाष नहीं रहने का कारण दे आर ऑल अन्नाभिलाषित शून्य। गण ज्ञान और कर्मों का परे है, ज्ञान और कर्मों का स्वतंत्र चेष्टा, स्वतंत्र चेष्टा परित्याग पूर्वक अनुकूल भावों के स्वाद निरंतर कृष्ण का सेवा का अनुशीलन करे, इसका विचार तो अलग होगा ही। भगवान श्री कृष्ण ये परमंश गुरु वैष्णव के लिए, इनके अगर कोई रेसिडू कर्म कर्म वासना अविद्या संपूर्ण रूप में भगवान ध्वंस कर देता है, जला के खाक कर देता। भगवान निरपेक्ष है, आप अगर कोई इल्जाम लगाओ भगवान निरपेक्ष नहीं, क्यों उनको ये दिया हमको नहीं दिया, सब अपना अपना कर्म फल। निरपेक्ष होने से भी कृष्ण भक्तों को पालन करेगा, ये भगवान का विशेष विचार। भगवान इज न्यूट्रल फॉर एवरीबॉडी, बट स्टिल भक्तों का लिए एक विशेष अहम भक्त पराधीन, ये आश्चर्य की विषय है। ये कोई तर्क वितर्क उठाकर कोई समाधान करने चाहो तो हो नहीं सकता, ये विशेष है। भगवान निरपेक्ष, गीता का प्रवचन में जाओ तो इसमें भी ये सब विचार है। जस्तु इंद्रो गोप मथवेन्द्रो महोसकर्म बंधानुरूप फलभाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्तिभाजम गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामि। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे, फिर अगले हफ्ता विचार करेंगे। आगे बहुत सारे इम्पोर्टेंट ब्रह्म संगीता, इतना इम्पोर्टेंट किताब ये पूछो मत। महाप्रभु जी ने खुद बताए, सिद्धांतों का विचार जो है इसका ऊपर कुछ नहीं होता। देवर्षि भूतात्मनीनाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजनो सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्वकर्तम वांछकल्पतरुश्च कृपासिंधुभ्यो पतितानं पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।